हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं गांव में, हमारे देवता पूजने हैं हमें शादी के बाद। फर्स्ट टाइम मैं गांव में जाऊंगी और चाची जी ने वहां पर हमारा खाना भी किया हुआ है और आज हम देवता भी पूजेंगे। सो चलिए चलते हैं हम। देखिए, हमारे जो देवता हैं वो खेतों में ईखों के अंदर हैं, बहुत अंदर, और बहुत स्ट्रगल करके हमें जाना होता है। तो हम जा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ गांव में, शादी को 2 महीने होने वाले हैं और आज मैं आई हूँ देवताओं पे। तो हमारे घर से जो शादी में कपड़े आए थे देवताओं के, वो हम देवताओं को चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। शादी के बाद देवताओं की पूजा करना ज़रूरी होता है और एक बार आना होता है। और आप देख सकते हो ईखों के अंदर हम जा रहे हैं, बहुत अंदर हैं देवता। तो इनका स्थान है यहाँ पे, जो बहुत अच्छी लगी थी तो अपना ये भी आपका ब्लॉग पे देखा था।
देवता को पूछ के अब हम गांव में आ गए, और गांव के जितने भी मंदिर भूमियाँ जो भी चीज़ थी मैंने सब जगह प्रसाद चढ़ाया और सब जगह दर्शन किए। फर्स्ट टाइम गांव में आई थी तो सब मंदिर में मुझे जाना था, तो अब हम गांव के मंदिर में आए हैं और यहाँ पे हमने पूजा की है। से पूजा करने के बाद अब हम घर आ गए हैं और ये चाची जी हैं, नंदे हैं। जैसा कि आप देखते हैं भाई अपने पुराने घर में आए हैं खतौली से। गांव में तो क्या होगा? और मेरे हस्बैंड मुझे अपना घर दिखा रहे हैं जहां वो रहते थे, अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं यहाँ पे वो रहते थे और अब वो बाहर रहने लगे हैं। तो हम गांव में आए हैं देवता पूजने, और यहाँ पे एक गाँव की कुछ लेडीज आई हैं मुँह दिखाई करने के लिए। तो thank you.
और अब हम गांव से अपने घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और चाची जी थोड़ा इमोशनल हो जाती है जब भी मिलती है। तो अब हम चल रहे हैं गांव में और मैं अपने सभी नंदों से मिल रही हूँ। तो ये सब बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश हो जाती हैं देख के, और बहुत प्यारी हैं सब। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने घर पर और थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए भी जाते हैं तो थकान हो ही जाती है। और हम तो गांव में पूरा दिन ही रुके थे, शाम को घर आए थे, तो हमें थकान काफ़ी हो चुकी थी। और माजी के साथ मजाक कर रहे हैं और सब मजे ले रहे हैं। ले गया था, यहीं छोड़ गया था। प्राणनाथ कहाँ है? नर्सरी में। आज भी लेते हैं वहीं खेत में। खेत में था। अरे देख रहे क्या करो जमादान की तो तम दो बिन थी मुझे फोन मजान की। हाँ बात सच है, सही बात है। अगर फोन होता फिर नहीं जाने देंगे फोन। छोटे भी नहीं थे। अरे रोक लो, कोई वीडियो बना ली भैया, रोक ले अपनी बहू को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। ये देखिए हमारी घर की लक्ष्मी रिकॉर्ड करती हुई वीडियो, ये देखिए ये। तो गाइज यहाँ पे हम सब मस्ती कर रहे थे गांव से आने के बाद, सब बैठे बातें कर रहे थे। और फिर भैया के फ्रेंड आ गए थे तो हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। एंड तो गाइज गांव का ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।